एडो सुहिणो कलाम तव्हां ॿुधायो असां सभिनी खे, पर मां विच में अचां पई थी छो जो असांजे विच में असांजा चीफ गेस्ट श्री मनीष सिसोदिया, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज हियर. सो थैंक यू वेरी मच सर कमिंग हियर. हम तहे दिल से आभारी हैं आपके. आपको रिक्वेस्ट करते हैं मंच पर प्लीज पधारें. मोहिनी जी आप सबको एस्कॉर्ट करें. मोहिनी जी के रिक्वेस्ट थी करें कि सर के असांजे पारा एक पौधो डींदा नंढड़ो एंड एक शॉल सा नवाजींदा. सर आपको भी कर लीजिए. This is what shows the culture of Delhi government. Honorable Deputy Chief Minister himself has said कि हमारा प्रचलन तो दूसरा है, हमारे यहाँ तो रिथा दूसरी है. वो शॉल पहनाना चाहते हैं कलाकार को. जोरदार तालियां. मां ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रिक्वेस्ट थी कयां कि प्लीज पंहिंजा कुझु अखरनि सां असांखे नवाज़ींदा ऐं असांखे कुझु फर्दर गाइडेंस ॾींदा. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. मुझे सिंधी में नहीं आती है पर इतना जरूर मैं समझ गया था कि आप मुझसे बोलने के लिए कह रहे हैं. और सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस सुरीली शाम में आपका भी स्वागत करता हूँ. सभी कलाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. दिल्ली कला से कलाकारों से भरी हुई है और किसी न किसी बहाने हम सब इस बहाने इकट्ठे होकर बैठते हैं. थोड़ा कला का पक्ष रहता है, थोड़ा मानसिक उत्थान का पक्ष भी रहता है, आत्मिक उत्थान का पक्ष भी रहता है. और आप जैसे कलाकार जब बीच में आते हैं तो दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं हमको. मैं अपने सिंधी अकेडमी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए. बहुत अच्छा ये पिछले कुछ प्रोग्राम्स में मेरा जाना हुआ, लगातार जा रहा हूँ, जिस तरह की आप सब लोग उसका गवाह हैं कि जो इम्प्रूवमेंट, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो पिछले दिनों में प्रोग्राम्स में दिखाया उसके लिए हमारी दोनों ये कर्णधार के कंधे पे, और अभी कई साथी और हैं, पूरी टीम है यहाँ पे, सबको बहुत बहुत बधाई. बाबूगंज जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे आमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार किया. और इतनी वाकई मैं अंदर आया और मैंने 30 सेकंड में बैठते बैठते सिंधु मिश्रा जी को कहा कि बहुत सुरीली आवाज़ है. सुरीली शाम तो है ही है पर आवाज़ बहुत इतनी मधुर, जो उस निर्गुण बात के लिए, निर्गुण की बात के लिए जितनी गहराई के साथ आनी चाहिए थी उसी गहराई के साथ यहाँ आ रही थी. आज का दिन वैसे भी हमारे लिए भी बहुत अच्छा दिन है. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के बच्चे इस बार CBSE के 12th क्लास में थे. हाँ, बोर्ड का रिजल्ट आया है. आप सबको, जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार, नाती पोते जिनके थे, उनको सबको बहुत बहुत बधाई. दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरे लिए विशेष अवसर है क्योंकि 3 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो लोग हमसे कहते थे कि एजुकेशन में क्या करके दिखा सकते हो. जब हमने कहा भाई हम दिल्ली में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगा हाँ ठीक है, सब लोग आते हैं, नई भी सरकार बनती है, सब ऐसे कहते हैं. फिर जब दिल्ली में हमने एजुकेशन पे 25% बजट दिया और लगातार 3 साल से वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन कंट्री जो एजुकेशन पे अपने 1/4 बजट का खर्च कर रही है,
बाकी सब जगह 10% 12% खर्च करते हैं, लेकिन एक चौथाई एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। उससे जो वाइजली उसको खर्च किया, अच्छे स्कूल बने, अच्छी ट्रेनिंग टीचर्स को मिली। मैं हमेशा ये कहता था कि देखिए, अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छे स्कूल बनाना, शानदार फाइव स्टार बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं आएगी। टीचर्स अगर खड़े हो गए अपने दम पे तो एजुकेशन आएगी। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल पहली बार, दिल्ली गवर्नमेंट का रिजल्ट जो है 90% पास आउट क्रॉस किया है। पिछले साल हम लोग 88.5% के आसपास थे, इस बार 90+ पहुंच गए हैं। 2.37% अपने ही आपको हमने कॉम्पीट करके आगे किया है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स को अलग अलग हिस्से से भागीदारी करने के लिए लगे हुए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको भी बधाई दूंगा। और यहाँ आप सब पधारे सभी लोगों को, मेरा हमेशा मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर और हार्डकोर जो स्कूल एजुकेशन है, ये आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से भी गंती हम कोशिश यही करते हैं कि एजुकेशन का काम हो, समाज खड़ा हो, और स्कूल के माध्यम से भी समाज खड़ा करने की कोशिश है। चाहे वो ऑडिटोरियम से खड़ा करें, गीत संगीत किस तरह की सुरीली शाम से खड़ा करें, या स्कूलों के माध्यम से खड़ा करें, पर हम सब मिलके स्पेशली आज के दौर में अमन चैन से रह सकें और वास्तव में विकास कर सकें, आज जहां खड़े हों उससे आगे बढ़ सकें, अच्छी चीज़ों में उससे आगे बढ़ सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी कामनाओं के साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सिंधी अकेडमी की पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत